हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की हमारी क्लास होगी एंटोमोलॉजी की क्लास, लेकिन उससे पहले आप मेरे पीछे कुछ देख रहे हैं अच्छा सा। सो देयर इज कमिंग ऑन योर वे एक अच्छा सा नया सा सरप्राइज, अ बिग लॉन्च बाय एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। आप सभी को इस इवेंट में जुड़ना है, यानी कि आज 2 बजे दोपहर को, ठीक है? तो अपनी रिमाइंडर्स लगा लीजिए या नोटिफाई पर क्लिक कर दीजिए ताकि YouTube आपको रिमाइंड करवा दे कि 2 बजे आप सभी को इस इवेंट को अटेंड करना है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप सभी को ये जो लॉन्च है ये ज़रूर ज़रूर अटेंड करना है। अब बात करते हैं हम आपकी क्लास की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड नहीं की है सो डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। उसके बाद चूज़ कीजिए एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे जॉब अलर्ट्स, डेली क्विज, पावर कैप्सूल आपको इसमें मिलते रहेंगे जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बूस्ट करते हैं। इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम विजिटर, अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। बी द फर्स्ट वन टू वॉच। ऑल्सो यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, जस्ट सर्च एट द रेट एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 एंड यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर द क्लास अपडेट्स। चलिए अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आकाश, रीमा, विशु, नरोत्तम, तन्नू, रिचा, प्रियादर्शनी एंड सॉरी फॉर बीइंग डिलेट, सम ऑफ द टेक्निकल इश्यूज वर देयर जिनको सॉल्व करते करते हमें 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, बट नो वरीज, वी आर बैक, राइट? तो आज हम क्वेश्चन करेंगे एंटोमोलॉजी से रिलेटेड। लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस तो अच्छे अच्छे हैं एंड आई गेस मेरे पास बच्चे भी अच्छे अच्छे हैं तो हमारा सेशन भी अच्छा अच्छा ही जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। बट महापैक के बारे में बता देते हैं पहले। सो इट्स जस्ट लाइक अ सब्सक्रिप्शन, जैसे हम नेटफ्लिक्स या अमेजन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इफ यू हैव टेकन दिस सब्सक्रिप्शन तो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर कोई भी एग्जाम को अगर हम कवर कर रहे हैं उन सब की क्लासेस आपको मिलती है, चाहे FCI हो, AFO हो, FSO हो, पंजाब ADO हो, कुछ भी हो, उन सब के क्लासेस आपको इसमें इंक्लूडेड होती हैं। साथ ही साथ इसमें उनके रिलेटेड टेस्ट सीरीज और ई बुक्स भी आपको मिलती हैं, यानी कि पूरे साल इतना कंटेंट मिलता है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे लेकिन कंटेंट खत्म होने वाला नहीं है। द फीस फॉर द सब्सक्रिप्शन इज 7,359 आपकी जो है पूरे साल की फीस है। पूरे साल एग्रीकल्चर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं यू कैन डू इट फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर महापैक। ये डिस्काउंटेड ऑफर है, इसकी रियल फीस 32,000 है और ये डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा जब आप कोड यूज करेंगे Y448, 4+4 8 होते हैं, यू विल गेट द डिस्काउंट और आपको जो पे करना पड़ेगा वो 7,359 होगा जिसमें पूरे साल की फीस इंक्लूडेड है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, राइट? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अमन। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, सिल्वर शूट इज ऑल्सो नोन एज, सिल्वर शूट और किस नाम से जानी जाती है? गॉल शूट, सिल्वर स्वॉर्ड, मॉडिफाइड शूट और अनियन लीफ। सिल्वर शूट इज ऑल्सो नोन एज। जी आकाश, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड हेलो। सिल्वर शूट इज ऑल्सो नोन एज अनियन लीफ, गॉल शूट, सिल्वर स्वॉर्ड और मॉडिफाइड शूट। यस, सो द आंसर विल बी अनियन लीफ। आंसर क्या होगा आपका? अनियन लीफ आपका आंसर होगा, है ना? सिल्वर शूट को ही अनियन लीफ कहते हैं और ये किसकी वजह से होती है? जी नरोत्तम, ये आपकी एंटोमोलॉजी की ही क्लास है तो सिल्वर शूट किस वजह से आता है? राइस गॉल मिर्च,
राइस गॉल मिर्च की वजह से आपके जब ये प्लांट पर अटैक करता है तो प्लांट की जो लीफ है वो गोल गोल रोल होने लगती है, अनियन की लीफ जैसे दिखने लगती हैं और सिल्वर कलर की, वाइट कलर की दिखने लगती हैं, है ना। तो राइस गॉल मिर्च की वजह से ही आपकी अनियन लीफ या सिल्वर शूट आता है। दिस अनियन लीफ एंड सिल्वर शूट इज वन ऑफ द सेम थिंग, ये सेम बात है ना। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। हैंड पिकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग इज डन फॉर किस इंसेक्ट के लिए आप कल्चरल मेथड या कह लीजिए फिजिकल मेथड यूज कर सकते हैं, जिसमें आप इन्फेक्टेड प्लांट्स को या इन्फेक्टेड ट्विग्स को या इंसेक्ट को आप पकड़ेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे, है ना। हैंड पिकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग इज किस इंसेक्ट में आप इनमें से कर सकते हैं, चैफर बिटल में कर सकते हैं, व्हाइट ग्रब में कर सकते हैं, रेड स्केल में कर सकते हैं या बर्ड वॉर्म में कर सकते हैं। हैंड पिकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग कैन बी डन फॉर विच इंसेक्ट, यस वेरी नाइस प्रियादर्शनी। राइस गॉल मिर्च का नाम क्या होता है, ओरिजियो और लिया और आइजिया, है ना। यहां पर आपका आंसर क्या आएगा, हैंड पिकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग कैन बी डन इन व्हाइट क्रब्स, चैफर बिटल, ठीक है। द राइट आंसर विल बी चैफर बिटल। हैंड पिकिंग, देखिए वैसे तो आपको हर इंसेक्ट में हम लोग लिख देते हैं हैंड पिकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग, राइट। बट जिसका बहुत ज्यादा एरिया है फार्मर का, वो हैंड पिकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग नहीं कर सकता। साथ ही साथ हैंड पिकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग हम करते कौन से में है, ऐसे इंसेक्ट में करते हैं जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट नहीं करती है, मतलब वो कम प्रोजनीज पैदा करते हैं ना। भाई पॉपुलेशन मैनेजेबल होगी तभी तो आप हैंड पिकिंग कर पाएंगे और डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। अब जब तक आप हैंड पिकिंग कर रहे हैं, आपने आधा फील्ड कवर किया हैंड पिकिंग से, तब तक इन्होंने इतनी प्रोजनी फिर से पैदा कर दी, वो फिर से इन्फेस्ट कर रही है, तो वहां पर हैंड पिकिंग का फायदा नहीं होता है। हैंड पिकिंग का फायदा तभी होता है जो आपका इंसेक्ट कम रिप्रोड्यूस करता है या कम एक बार में प्रोजनी देता है या उसका कहे फिकंडिटी रेट कम होता है, तो उसमें हम लोग हैंड पिकिंग करते हैं। तो यहां पर आपका आंसर होगा ए, चैफर बिटल। इंसेक्टिसाइड एक्ट के पास्ड इन विच ईयर, इंसेक्टिसाइड एक्ट किस साल में आया था, 1965, 1966, 1967, 1968. क्या होगा आंसर, वेरी नाइस, द आंसर इज 1968। इंसेक्टिसाइड एक्ट कब आया था, 1968 में आया था, ऑप्शन डी। एट ETL यानी कि इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इज अप्लाइड, पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस अप्लाई करना शुरू करते हैं, पेस्ट सर्वेलेंस स्टार्ट्स, पेस्ट को सर्वेलेंस के लिए हम स्टार्ट करते हैं, है ना। लास्ट स्टेज ऑफ पेस्ट कंट्रोल, ये पेस्ट कंट्रोल की लास्ट स्टेज होती है, या फिर नन ऑफ द अबव। ETL लेवल क्या है, इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल, इनमें से क्या दर्शाता है, पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस एट इज अप्लाइड, पेस्ट सर्वेलेंस स्टार्ट्स, लास्ट स्टेज ऑफ पेस्ट कंट्रोल और नन ऑफ द अबव। यस, सो द राइट आंसर विल बी पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर अप्लाइड। जब तक आपका इंसेक्ट्स ETL लेवल पर नहीं पहुंचते तब तक हम उनके लिए कोई कंट्रोल प्रैक्टिस नहीं अपनाते, कोई बात नहीं उनको खाने दो जीने दो, ये वाला हिसाब किताब होता है। जैसे ही वो ETL लेवल पर पहुंचता है हम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुरू कर देते हैं, कलेक्टिंग, डिस्ट्रॉइंग, केमिकल्स यूज करना या कुछ भी यूज करना, है ना। मैनेज प्रैक्टिस आप शुरू करते हैं जब किसी भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन ETL लेवल पर पहुंच जाती है, यानी कि इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल। सो द आंसर विल बी ए। व्हाट इज ट्रू अबाउट EIL लेवल, EIL लेवल के बारे में कौन सी बात इनमें से सही है, लोवेस्ट पेस्ट पॉपुलेशन विच विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज, सबसे कम पॉपुलेशन जो इकोनॉमिक डैमेज कॉज कर सकती है,
एवरेज पेस्ट पॉपुलेशन विच कॉज इकोनॉमिक डैमेज, एवरेज पॉपुलेशन जो इकोनॉमिक डैमेज कर सकती है, या हाइएस्ट पॉपुलेशन जो इकोनॉमिक डैमेज कर सकती है, कौन सा होगा आंसर? व्हाट इज द ट्रू अबाउट ई आई एल लेवल, इकोनॉमिक इंजरी लेवल? ई आई एल लेवल इज इकोनॉमिक इंजरी लेवल. यस, द आंसर विल बी ए. आंसर क्या होगा? ए होगा, राइट. लोवेस्ट पेस्ट पॉपुलेशन जो हमारी क्रॉप में इकोनॉमिक लॉसेस कर सकती है, इकोनॉमिक डैमेज कर सकती है, उसको हम कहते हैं ई आई एल लेवल. एक और क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ई टी एल लेवल और ई आई एल लेवल में से बड़ा कौन सा होता है? तो ई आई एल लेवल की जो आपकी वैल्यू होगी वो हमेशा ई टी एल लेवल से ज्यादा होगी, ठीक है. तो ई आई एल लेवल हमेशा ई टी एल लेवल से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर इंजरी शुरू हो गई है, इकोनॉमिक इंजरी शुरू हो चुकी है. यहां पर वो मैक्सिमम पॉपुलेशन है जहां पर हम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को. तो ये जो है ई आई एल लेवल से हमेशा कम होता है. सो द आंसर इज ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट्स मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर? इंसेक्ट का सबसे डिस्टिंग्विश फीचर कौन सा है? पेयर ऑफ एंटीना, इसके पास एक पेयर ऑफ एंटीना होता है. थ्री पेयर ऑफ लेग, इसके पास तीन पेयर में लेग्स होती हैं. एक पेयर ऑफ विंग, पेयर ऑफ विंग्स, एंड ऑल ऑफ द अबव. इंसेक्ट का डिस्टिंग्विश फीचर इनमें से कौन सा है? इंसेक्ट का डिस्टिंग्विश फीचर कौन सा है? नो, नॉट ऑल ऑफ द अबव. यस, प्रियदर्शनी हैज गॉट इट राइट. थ्री पेयर ऑफ लेग्स, थ्री पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है. सभी इंसेक्ट के ही कैरेक्टर है. इंसेक्ट में एंटीना भी होता है, इंसेक्ट में विंग्स भी होते हैं, बट इसने पूछा डिस्टिंग्विश फीचर कौन सा है. तो आप सभी को पता है क्लास इंसेक्टा को हम क्या कहते हैं? क्लास इंसेक्टा को हम हेक्सापोडा भी तो कहते हैं, है ना. और हेक्सापोडा का मतलब होता है सिक्स लेग्स. सिक्स लेग्स का मतलब क्या है? थ्री पेयर ऑफ लेग्स. सो सबसे डिस्टिंग्विश फीचर कौन सा होता है? थ्री पेयर ऑफ लेग्स इज द मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द इंसेक्ट. द आंसर विल बी बी. इंसेक्ट्स दैट ईट ओनली वन सॉर्ट ऑफ फूड आर नोन एज. इंसेक्ट्स जो एक ही तरीके के प्लांट पर विजिट करते हैं, एक ही तरीके का फूड खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीफेगस, मोनोफेगस, एंटोमोफेगी, नन ऑफ द अबव. इंसेक्ट दैट ईट ओनली वन सॉर्ट ऑफ फूड आर नोन एज. इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीफेगस कहते हैं, मोनोफेगस कहते हैं, एंटोमोफेगी कहते हैं, या फिर ऑल नन ऑफ द अबव. वेरी गुड, द आंसर इज मोनोफेगस, है ना. पॉलीफेगस कौन से होते हैं? फीड्स ऑन मैनी टाइप्स ऑफ फूड, है ना, जो बहुत टाइप के फूड खाता है तो उसको हम पॉलीफेगस कहते हैं. जो एक ही तरीके का खाना खाता है उसे मोनोफेगस कहते हैं. एंटोमोफेगी किसे कहते हैं? इंसेक्ट ईटिंग इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट ईटिंग इंसेक्ट. बड़े इंसेक्ट छोटे इंसेक्ट को खाते हैं, तो ये क्या है? एंटोमोफेगी में आता है, ठीक है. ये आपका इफ्को में क्वेश्चन आया था, राइट. There is no specific digestive gland in कोई specific digestive gland नहीं होता इस organism में, ठीक है. Insects, mammals, birds or fishes. There is no specific gland in this organism for digestion. Yes, the answer will be insect. इंसेक्ट में कोई स्पेशल डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता है ना. मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ाया भी है, तो मैंने आपको डिफरेंट उसके गट के एरियाज भी बताए हैं, उसमें कौन से वाल्व्स हैं वो भी बताए हैं, लेकिन मैंने उसमें कोई भी ग्लैंड नहीं बताया कि भाई ये ग्लैंड सिक्रीट होता है, इससे ये निकलता है, ये एंजाइम निकलता है, ये चीज डाइजेस्ट करता है, क्योंकि इसमें कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते ही नहीं है. सो द आंसर विल बी ए.
What is the composition of the exoskeleton of the arthropod? Arthropods के exoskeleton में क्या present होता है? Chitin present होता है, chitin and protein present होता है, protein and collagen present होता है, collagen and chitin present होता है. The composition of exoskeleton of an arthropod. Arthropod के एक्सोस्केलेटन यानी कि बाहरी लेयर में उसके स्किन में कौन सा मटेरियल आपको देखने को मिलता है? काइटिन, काइटिन प्लस प्रोटीन, प्रोटीन प्लस कोलेजन, कोलेजन प्लस काइटिन. यस, द आंसर विल बी काइटिन एंड प्रोटीन. सो बी विल बी योर आंसर. काइटिन एंड प्रोटीन उसके स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है. बी विल बी द राइट आंसर. Between the head and the abdomen, what is the name of the middle region of the insect body? Head और abdomen के बीच का जो area होता है, उसे insect की body में क्या कहा जाता है? Thorax, head, abdomen, none of the above. The area between the head and the abdomen, उसको हम क्या कहते हैं? Area between head and abdomen, इसको क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, उसे क्या कहते हैं? थोरैक्स कहते हैं. तो आपके इंसेक्ट की जो बॉडी होती है वो तीन मेन रीजन में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन. ठीक है, इंसेक्ट यूज डैश टू ब्रीथ. इंसेक्ट सांस लेने के लिए किस ऑर्गन का यूज करता है? गिल्स, नॉस्ट्रिल्स, स्पाइरिकल्स, नन ऑफ द अबव. Insect use dash to breathe. Gills, nostril, spiracles, none of the above. Yes, the answer is spiracles. जैसे हमारे nostrils होते हैं, नाक के छेद होते हैं जिनसे हम सांस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऐसे ही इंसेक्ट के स्किन में छेद प्रेजेंट होते हैं जिनको स्पाइरिकल्स कहते हैं. राइट, सो द आंसर विल बी स्पाइरिकल्स. जैसे आप इंसेक्ट बनाते हैं, ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन में जितने भी सेगमेंट होते हैं इनके यहाँ पर कॉर्नर पर इस तरीके के स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना, जो ये होते हैं इनको कहते हैं स्पाइरिकल्स. स्पाइरिकल्स क्या है? छेद है जिनसे इंसेक्ट सांस लेता है, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है. गिल्स से भी रेस्पिरेशन होता है इंसेक्ट्स में, बट ओनली इन द वाटर इंसेक्ट्स, है ना. वाटर इंसेक्ट्स स्पेशली जो मैच्योर नहीं होते, है ना, एडल्टहुड में नहीं जाते, उनमें अक्सर गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं. बट जो मेजर आपका ऑर्गन है जिससे इंसेक्ट रेस्पायर करता है वो आपके स्पाइरिकल्स हैं. इन द इंसेक्ट लाइफ साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रेस्टिंग एंड इनएक्टिव स्टेज. इंसेक्ट की पूरी लाइफ साइकिल में किस स्टेज को हम रेस्टिंग स्टेज कहते हैं या फिर इनएक्टिव स्टेज कहते हैं? Eggs, larva, pupa, adult. Smell कैसे लेता है? Insect के जो smelling और tasting organs होते हैं वो सिर्फ उसके mouth part में present होते हैं, ठीक है, बाकी वो smell नहीं करता, सिर्फ खाने को smell करता है. Yes, right answer is प्यूपा. प्यूपल स्टेज को रेस्टिंग स्टेज कहते हैं. फैमिली ऑफ डायमंड बैक मोथ इज डैश. डायमंड बैक मोथ की फैमिली कौन सी है? प्लूटेलेडी फैमिली है, लैपिडॉप्टरा फैमिली है, डिप्टरा फैमिली है या हेमिप्टरा फैमिली है? एंटीना से स्मेल नहीं करता है बच्चा. एंटीना इज अ सेंसरी ऑर्गन. एंटीना एक सेंसरी ऑर्गन जरूर है. एंटीना में जो सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है वो जॉनस्टन्स ऑर्गन होता है, जो कि एक ऑडिटरी ऑर्गन है. वो वाइब्रेशंस को कैच करता है, साउंड को कैच करता है.
एस्टिमेट लगाता है कि कितनी चीज उससे दूर है, वो कितना सीधा चलना चाहिए, कब मुड़ना चाहिए, ये एस्टिमेशन उसको एंटीने देते हैं। ठीक है, स्मेल एंटीना से नहीं आती है। गस्टेटरी एंड ऑल्फेक्टरी लॉब्स आर प्रेजेंट इन माउथ पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट, मैक्सिलरी में प्रेजेंट होते हैं। यस, द आंसर इज प्लूटेलिडी फैमिली, है ना भाई। ये तीनों ऑर्डर है, फैमिली है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है आप सभी लोगों के लिए। सो आंसर क्या है? डायमंड बैक मोथ प्लूटेलिडी फैमिली, है ना, क्योंकि इसकी बैक पर डायमंड है तो ये क्या करती है, बहुत स्टाइल मारती है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्लूटेला जाइगोस्टेला, है ना। तो स्टेला मीन्स स्टाइल मार रही है। तो स्टाइल क्यों मार रही है? क्योंकि इसके पास डायमंड है भाई, है ना, विच इज अ प्रीशियस मेटल, मेटल नहीं है। चलिए, सो द आंसर इज प्लूटेलिडी फैमिली। आंसर क्या होगा आपका? प्लूटेलिडी फैमिली आंसर होगा। साइंटिफिक नेम ऑफ बॉल विविल, बॉल विविल का साइंटिफिक नेम क्या है? फिनाकोकस और एंथ्रोनोमस, टेक्टाना ग्रैंडिस और साइलेप्टेर डेरोगेटा। साइंटिफिक नेम ऑफ बॉल विविल, साइंटिफिक नेम ऑफ बॉल विविल। यस, द आंसर विल बी बी, एंथ्रोनोमस ग्रैंडिस, एंथ्रोनोमस ग्रैंडिस। ठीक है, ग्रैंड है बॉल विविल, राइट। तो एंथ्रोनोमस ग्रैंडिस इज द नेम ऑफ द बॉल विविल। ये कॉटन का पेस्ट है, बॉल विविल इज द पेस्ट ऑफ कॉटन, जो इंडिया में नहीं है। इंडिया इज फ्री ऑफ बॉल विविल, दूसरी कंट्रीज में इसका अटैक होता है, इंडिया में ये अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। वी आर लकी इनफ, सो इंडिया इज फ्री ऑफ बॉल विविल। इंडिया आज तक बॉल विविल से फ्री कंट्री है। सो द आंसर विल बी बी, बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट विच क्रॉप, क्रॉप नहीं आएगा, विच ऑर्डर, है ना। बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू विच ऑर्डर? स्पोडिप्टेरा, लैपिडोप्टेरा, हेमिप्टेरा। अच्छा, विशु कह रहे हैं तभी तो हमें नहीं पता क्योंकि इंडिया में है नहीं। हा, नाइस। गाइज, डू लाइक द सेशन इफ यू लाइक द क्लास। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, यस, लैपिडोप्टेरा, है ना, लैपिडोप्टेरा। हमने बीटी कॉटन किस लिए बनाई थी? क्योंकि हमारे बीटी कॉटन पर क्या आ रहे थे? बॉल वॉर्म्स आ रहे थे, विच इज योर स्पॉटेड बॉल वॉर्म, स्पॉटेड बॉल वॉर्म, अमेरिकन बॉल वॉर्म एंड पिंक बॉल वॉर्म। और ये तीनों बॉल वॉर्म किस से बिलोंग करते हैं? ये तीनों बॉल वॉर्म लैपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग कर देते हैं। ठीक है, सो आंसर क्या होगा आपका? सी आंसर होगा। फर्स्ट पेस्टिसाइड यूज्ड इन इंडिया, पहला पेस्टिसाइड जो इंडिया में यूज किया गया था, डीडीटी, एंडोसल्फान, हेप्टाक्लोर या एल्डेरिन। फर्स्ट पेस्टिसाइड यूज्ड इन इंडिया, डीडीटी, एंडोसल्फान, हेप्टाक्लोर, एंडेरिन। क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही, ए, डीडीटी, है ना। डीडीटी वॉज द फर्स्ट पेस्टिसाइड यूज्ड इन इंडिया। विच इज अ मिमिकिंग इंसेक्ट, एक मिमिकिंग इंसेक्ट कौन सा है? फाइलियम एरिकोरिया, फाइलियम जैकोब्सोनी, फाइलियम मेबेंटानाई और ऑल ऑफ द अबव। मिमिकिंग इंसेक्ट, मिमिक करना यानी कि किसी की नकल करना, है ना, या फिर किसी के जैसा बनने की कोशिश करना, उनमें घुलना मिलना। तो ये सारे इंसेक्ट क्या है?
ये लीफ लाइक कलर के होते हैं और लीफ लाइक ही इनमें जो है प्रोजेक्शंस होती हैं, तो ये लीफ के साथ बहुत ब्लेंड हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते प्लांट पर। तो ये प्लांट के साथ क्या कर रहे हैं, मिमिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर, करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव मिमिकिंग इंसेक्ट, ये सभी मिमिकिंग इंसेक्ट होते हैं। दे बिहेव लाइक एन लीफ, जैसे दिखेंगे लीफ के साथ घुल मिल जाएंगे तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, मिमिक करते हैं। इंसेक्टिसाइड मार्क्ड एज सेफ फॉर हनी बी इज, ऐसा कौन सा इंसेक्टिसाइड है जो हनी बी के लिए सेफ मार्क किया गया है। डीडीटी, एंडोसल्फान, मैलाथियोन और नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड मार्क्ड एज सेफ फॉर हनी बी, एक्सप्लेनिंग मिमिकिंग, किसी की नकल नहीं उतारते बच्चे। जैसे कुछ लोग अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल रहे थे, हम कहते हैं अमिताभ बच्चन को मिमिक कर रहा है ना। तो मिमिक कर रहा है मतलब किसी के साथ किसी के जैसा बनना, उसको मिमिक करना कहते हैं। तो ये सारे जो इंसेक्ट हैं ये लीफ स्ट्रक्चर जैसे ही दिखाई देते हैं, इनका कलर उससे काफी मिलता जुलता होता है, तो लीफ पर दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि लीफ के साथ क्या करें, मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं, मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, इंसेक्टिसाइड मार्क्ड एज सेफ फॉर हनी बी इज नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड। भाई ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड से बेटर क्या होगा, है ना। नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स जो आपका NSKE है, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, दिस इज वेरी मच सेफ फॉर द हनी बी, हनी बी के लिए बिल्कुल सेफ है। ठीक है, CPPTI इज लोकेटेड इन बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद एंड दिल्ली। साथ ही साथ CPPTI की फुल फॉर्म भी आप लोग मुझे बताएंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPPTI एंड वेयर इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली। बिल्कुल एंडोसल्फान भी होता है, बट यस, फर्स्ट थिंग इज एंडोसल्फान इज बैंड, एंड सेकेंड थिंग इज अगर आपके सारे केमिकल के साथ एक ऑर्गेनिक मिक्स किया हुआ है या नेचुरल पेस्टिसाइड मिक्स किया, तो हमेशा उसी को चूज करेंगे। अगर यहाँ पर नीम सीड ना देकर कोई और केमिकल दिया होता तो हम एंडोसल्फान को चूज करते। तो कभी कभी हमारा आंसर ऑप्शंस पर डिपेंड हो जाता है। फुल फॉर्म भी बताओ, फुल फॉर्म में बड़ी दिक्कत है, ऐसे कैसे भाई, फुल फॉर्म तो आती है एग्जाम में। यस बिल्कुल सही कुलदीप, है ना, सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। प्लांट प्रोटेक्शन का इंस्टीट्यूट कहाँ है आप बता दीजिए। सो इट इज इन बैंगलोर, राइट, कहाँ है, बैंगलोर में है। ए विल बी द राइट आंसर। एंडेमिक पेस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, एंडेमिक पेस्ट क्या होता है, पेस्ट अकर्स इन अ फ्यू स्पेसिफिक एरिया, पेस्ट अकर्स इन सेम एरिया एवरी ईयर, पेस्ट अकर्स फ्रीक्वेंटली इन करंट सीजन इन अबेंडेंस, या पेस्ट अकर्स इन सीवियर फॉर्म। एंडेमिक पेस्ट किसको कहते हैं, व्हाट इज एन एंडेमिक पेस्ट, एंडेमिक पेस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ पेस्ट विच इज रिस्ट्रिक्टेड इन अ स्पेसिफिक एरिया, एक ही एरिया में कन्फाइंड है, उसी एरिया में बार बार होता है लेकिन उससे बाहर नहीं हो रहा है, स्पेसिफिक एरिया में कन्फाइंड है, तो उसे हमें कहते हैं एंडेमिक पेस्ट। और अगर पूरी दुनिया में फैला हुआ, इंडिया में भी है, चाइना में भी है, US में भी है, हर जगह है, तो वो क्या हो जाता है, तो वो एंडेमिक की जगह क्या हो जाता है, एपिडेमिक, है ना। और एक और टर्म होती है पेंडेमिक, जैसे कि हम कोविड में यूज करते हैं पेंडेमिक। सो पेंडेमिक क्या होती है, विच इज इन द लार्ज एरिया, जो लार्ज एरिया में फैला हुआ है लेकिन
लॉस रेट कम है ना, जैसे कि डेथ रेट ड्यू टू कोविड इज वेरी लो, है ना, तो जो इतना खतरनाक नहीं है लेकिन पूरी दुनिया में फैला हुआ है वो पेंडेमिक होता है। जो खतरनाक है और ज्यादा एरिया में फैला भी हुआ है वो एपिडेमिक है। जो एक ही एरिया में कन्फाइंड है वो एंडेमिक है। ठीक है, विच इज अ रेजिस्टेंट रूट स्टॉक ऑफ एप्पल अगेंस्ट वुली एफिड। वुली एफिड के अगेंस्ट एप्पल का कौन सा रूट स्टॉक रेजिस्टेंट है? M778, M112, M115 एंड ऑल ऑफ द अबव। यहां पर भी M ऐड कर लीजिएगा। तो यहां पर आंसर आएगा आपका M112। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वुली एफिड इज डन इन अप्लाइंग व्हाट? वुली एफिड का अगर आप बायोलॉजिकल कंट्रोल करें तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? एफिलिनस मलाई को अप्लाई करना पड़ेगा, कॉक्सिमेलिड प्रीडेटर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, बोथ ए एंड बी और ट्राइगोग्रामा। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वुली एफिड इज डन बाय अप्लाइंग व्हाट? ए, यस, ए एफिलिनस मेलाई, है ना, ए विल बी द राइट आंसर। और एफिलिनस मेलाई कैसे कंट्रोल करता है उसको? इट इज अ पैरासाइट, इट इज अ पैरासाइट, तो उसमें अंदर रहता है और उससे न्यूट्रिशन ड्राइव करेगा, वो वीक हो जाएगा और आफ्टर सम टाइम मर जाएगा। इट इज एन पैरासाइट। गंदी बग अटैक्स ऑन, गंदी बग कौन सी क्रॉप में आता है ये भी बताइएगा, और ये किस स्टेज पर अटैक करता है? ग्रेन फिलिंग स्टेज पर, मिल्किंग स्टेज पर, टिलरिंग स्टेज पर या फ्लावरिंग स्टेज पर? गंदी बग। और ये कौन सी क्रॉप में आता है? बिल्कुल सही, मिल्किंग स्टेज, है ना। मिल्किंग स्टेज कौन सी होती है? जब आपके ग्रेन्स कच्चे होते हैं, जगह अगर हम उनको प्रेस करते हैं तो व्हाइट कलर का मिल्क एक्सट्रैक्ट उनसे निकलता है, है ना, दैट इज कॉल्ड मिल्किंग स्टेज। ठीक है, गंधी बग इज अ अटैक्स ऑन मिल्किंग स्टेज। यस, इट कम्स इन राइस, राइस में आता है, द क्रॉप इज राइस। विच इज अ स्पोरेडिक पेस्ट, इनमें से कौन सा स्पोरेडिक पेस्ट है? व्हाइट ग्रब, ग्रास होपर, कट वर्म और ऑल ऑफ द अबव। अब हमने पेंडेमिक एंडेमिक तो देख लिया, स्पोरेडिक पेस्ट कौन सा होता है? स्पोरेडिक पेस्ट का कोई पैटर्न नहीं होता, कभी आया और डैमेज कर गया, कभी 2-3 साल तक नहीं आया, फिर आ गया, फिर 2 साल नहीं आया, फिर आ गया, फिर 5 साल नहीं आया, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है कि हर साल आएगा या नहीं आएगा, और जब भी आता है अच्छा खासा नुकसान करके जाता है, आपको अच्छे खासे लॉसेस देकर जाता है। दीज आर कॉल्ड एज स्पोरेडिक पेस्ट, इनको स्पोरेडिक पेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये सभी स्पोरेडिक पेस्ट हैं, व्हाइट ग्रब, ग्रास होपर एंड कट वर्म, ये तीनों के तीनों क्या है? स्पोरेडिक पेस्ट हैं। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। व्हिच इज अ पोटेंशियल पेस्ट, पोटेंशियल पेस्ट कौन सा है? आर्मी वॉर्म इन वीट, वीट में आर्मी वॉर्म एक पोटेंशियल पेस्ट है, पिंक स्टेम बोरर इन मेज एक पोटेंशियल पेस्ट है, राइस गंधी बग एक पोटेंशियल पेस्ट है, या फिर राइस वीवल एक पोटेंशियल पेस्ट है। पोटेंशियल पेस्ट इज आज के दिन ये नुकसानदेह नहीं है, बट हो सकता है, इसमें पोटेंशियल है कि ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है फ्यूचर में। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल पेस्ट। And the answer will be बिल्कुल सही अनुराग एंड प्रिया दर्शनी, A is the right answer, आर्मी वॉर्म ऑन वीट,
वीट में जो आर्मी वर्म आता है इट इज अ पोटेंशियल पेस्ट. तो यहां पर आंसर क्या होगा, ए हमारा आंसर होगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है एंड आई होप यू ऑल एंजॉय द क्लास. आप सभी लोगों ने क्लास को एंजॉय किया, और किया हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा. राइट, एंड दीज आर योर बैचेस गाइज. इफ यू वॉन्ट यू कैन एनरोल इन द बैचेस. ये आपका प्री और मेन्स का बैच है, प्री प्लस मेन्स का बैच है. इसकी फीस है 2483 विद द कोड Y448. और ये आपका मेन्स का बैच है, ओनली मेन्स, जिसमें आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगे. इसकी फीस है 2069 एंड अगेन द सेम कोड Y448A. और अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी है लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स वीक हैं, कुछ सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहे या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इंडिविजुअल बैचेस में भी एडमिशन ले सकते हैं. दीज आर द इंडिविजुअल बैचेस ऑफ योर टीचर. जैसे वर्षा मैम है, आकाश सर हैं, संदीप सर हैं, सबके इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं. आप इनके अकॉर्डिंग एनरोल कर सकते हैं. इसकी फीस कितनी है, ओनली 559 विद द सेम कोड Y448A. 4+4 8 होते हैं. राइट, एंड दैट्स ऑल. इफ यू लाइक द क्लास डू गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. कैसे बैचेस में एनरोल करना है मैं आपको यहाँ पर शो कर देती हूँ. सो आपने क्या करना है, आप एप्लीकेशन के द्वारा भी एनरोल कर सकते हैं. फीस थोड़ी और कम हो जाएगी क्योंकि एप्लीकेशन में आपको मिलते हैं कुछ कॉइन्स जिनको यूज करके आपको मिलता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट. और यहां पर क्या करना है, यहां पर टाइप करना है @247 और इस तरीके से आपकी साइट दिखेगी. ठीक है, यहां पर आपने क्या करना है, ऑल कोर्सेज सेलेक्ट करना है. ऑल कोर्सेज में एग्रीकल्चर को सेलेक्ट करना है. एग्रीकल्चर में हमें क्या करना है, AFO सेलेक्ट करना है, जो कि मुझे ही नहीं दिख रहा है अभी. ये हमारा AFO गायब हो गया क्या? हाँ, ये रहा. यहां से AFO सेलेक्ट करना है. ठीक है, सो दिस इज योर बैच. एग्रीकल्चर महापैक क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये बैच इसमें भी इंक्लूडेड है. किसी भी बैच में एनरोल करने का तरीका सेम है. थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, यू हैव द IBPS SO की टेस्ट सीरीज भी है रिलेटेड टू योर प्री एंड मेंस. दोनों इसमें टेस्ट है, 45 टोटल टेस्ट है. टेस्ट सीरीज में भी आप ले सकते हैं, अपनी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं. सेम कोड यूज करना है Y448, लेकिन पीछे S लगाना है टू गेट द डिस्काउंट. ठीक है, तो क्या करना है, हमने किसी भी बैच पर क्लिक करना है, उसको बाय नाउ करना है. नई विंडो पॉपअप होती है, इसमें डालिए अपना कोड Y448 और एंटर कर दीजिए. यू गेट 2069 फॉर द मेन्स बैच. राइट, और आप इसको कंटिन्यू करेंगे, अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर डालेंगे एंड इट्स डन. वहीं आप टेस्ट सीरीज में अगर एनरोल करना चाहते हैं टू प्रैक्टिस द टेस्ट सीरीज, तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, यहां पर वही कोड लगाएंगे Y448S और अप्लाई कर देंगे. यू विल गेट द टेस्ट सीरीज इन 389 रुपीज, जिसमें टोटल 45 टेस्ट हैं, प्री प्लस मेंस दोनों ही सब्जेक्ट्स के. ठीक है, एपिडेमिक, एपिडेमिक होता है बच्चे जो लार्ज एरिया में फैला हुआ है, साथ साथ बहुत नुकसानदेह भी है. पेंडेमिक नुकसानदेह नहीं होता है, सिर्फ लार्ज एरिया में फैलता है. ठीक है, तो उसको एपिडेमिक कहते हैं. हम कोविड को एपिडेमिक इसीलिए नहीं कहते क्योंकि उसमें अभी डेथ रेट बहुत कम है ना. लोगों को इन्फेक्शन तो हो रहा है लेकिन डेथ रेट कम है, लॉसेस कम है, तो उसको हम अभी पेंडेमिक में काउंट करते हैं. ओके, गुड बाय गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में. लेकिन सभी लोग याद रखिएगा, दोपहर 2 बजे आपको लॉन्च में जरूर आना है. देयर इज अ गुड सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, सो डू जॉइन @2 PM. Goodbye and take care.